इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के तीसरे टेस्ट के चौथे दिन इंडिया ने क्या बवाल मचाया भाई। जायसवाल का डबल 100, जायसवाल की जिमी को छक्कों की हैट्रिक, जड्डू भाई का पंजा और हमारी टीम ने मैच जीता कितने पूरे 434 रनों से। खैर दिन शुरू हुआ और गिल और कुलदीप की बढ़िया पार्टनरशिप के बाद लगा कि गिल का आज भी 100 होगा, मगर हान आना के चक्कर के अंदर शुभमन गिल 90s में रन आउट हो गए। फिर कुलदीप यादव ने भी साथ छोड़ दिया, लेकिन जायसवाल और सरफराज ने मिलकर भोजन से पहले गोरों की बढ़िया कुटाई की। अब भोजन के बाद अन्ना की भी मैच के अंदर एंट्री होगी और जायसवाल पता नहीं ऐसा क्या खा के आगे की बेचारे जिमी को एक ही ओवर के अंदर 3 छक्के दिए। उसके बाद तो सरफराज भी भाई जिमी को बैट कैच से खेलने लगे। इसी तरह के सरफराज ने अपनी 50 और जायसवाल ने अपनी डबल सेंचुरी पूरी कर ली। अब 556 रनों की बढ़त हो चुकी थी तो रोहित भाई ने पारी डिक्लेयर कर दी और फिर इंग्लैंड दूसरी इनिंग खेलने उतरी तो चाय से पहले डकैत रन आउट हो गए और बुमराह भाई ने कोहली को LBW कर दिया। अब चाय के बाद जड्डू भाई ने ओली पॉप का स्लिप में कैच और जॉनी बेस्ट और जो रूट को LBW कर दिया। इस बीच कुलदीप भाई को 2 और अन्ना को 1 विकेट मिल गई। उसके बाद तो जड्डू भाई ने आखिरी की 2 विकेट लेकर अपना 5 विकेट ऑल पूरा कर लिया और इंडिया को मैच जिता दिया पूरे 434 रनों से।